अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। 212/3 कहाँ रहते हैं आप? अच्छा, क्या कुछ हादसा हुआ है आज आपके साथ? घर से बाहर निकली और सामने से सब्जी खरीद रही थी जी, पीछे से एक बाइक वाला आया और मेरे गले में पीछे से झपट्टा मारते चेन खींच लेगा। उसमें एक पेंडल भी था, 20 ग्राम समथिंग था। क्या कितनी कीमत होगी करीब? आज के हिसाब से 1 लाख से ऊपर ही है। अच्छा अच्छा, देखा था आंटी किस तरह का व्यक्ति था? उसने सिर्फ वो भगवा कलर का कपड़ा लपेट रखा था, पूरा पेक मुंह पे आगे पीछे से। अच्छा अच्छा, अकेला ही था क्या? बाइक से था वो? बाइक से। अच्छा, मतलब चलती बाइक पे आपसे चेन छीनी? चलती बाइक से एकदम चेन खींचा। अच्छा, लोगों ने पीछा भी किया होगा? नहीं, वो मैं और वो सब्जी वाला दोनों ही थोड़ी दूर तक गए, तो वो तो बाइक से था तो भाग गया तेजी से। अच्छा, घटना आंटी जी कहाँ की है, कौन सा स्थान है? मोती बंगले में कहाँ? मोती बंगले में गगरानी हॉस्पिटल से उत्तर की ओर तीसरा चौराहा है। अच्छा, पीछे प्रताप गार्डन है, मेन रोड से तीसरी लाइन है मोती बंगले की। आपका एक बार नाम बता दीजिए। उमा भारती। कहाँ? मोती बंगला। रिटायर्ड टीचर हूँ जी। बंगला का वार्ड नंबर 27 आता है जी। और ये मोती बंगला क्षेत्र में क्या है कि अक्सर सब लोग व्यवसाय से जुड़े हैं, उद्योग से जुड़े हैं, नौकरी पेशा वर्ग के लोग हैं, तो सब दिन में कोई 10 बजे के बाद में लगभग सुनसान ही रहता है 5 बजे तक। और इस अक्सर महिलाएं पूजन पाठ करने के लिए निकलती है, कोई सब्जी खरीदने जा रही है, किसी कार्य से जाती है, तो अक्सर यहाँ इस क्षेत्र में ये घटनाएं बहुत होती है। आज किस घटना? अभी आज जो घटना घटी है, ये हमारा भारतीय परिवार है, ये हमारा ही परिवार है। आज हमारे बच्चे थे, दुखी भी है, और हम तो कोशिश ये रहते हैं कि रात को तो हम लोग कॉलोनी के कुछ लोग हैं हमारे, जो हम लोग निरंतर रात को 12-1 बजे तक वैसे ही घूमते हैं, कोई संदिग्ध व्यक्ति को मिलता है तो उसको टोकते भी है, रोकते भी है। और आज क्या अभी दिन में? आज ये इस तरीके की 2 बजे की घटना हुई है, जो सब्जी खरीदने के लिए भाभी जी गई थी, हमारी बहन लगती है, वो खरीदने गई थे और एकदम बाइक से आके चेन झपट के ले जाना, मतलब ऐसी घटना है। ऐसे ऐसी पहले भी हो चुकी घटना है? कम से कम 10-12 घटना हो चुकी है। क्या लगता है, एक दिन दहाड़े होती है? दिन दहाड़े देखिए, पुलिस प्रशासन रात को 11-12 बजे अपनी ड्यूटी बीट पर इंचार्ज जो भी होते हैं, एक राउंड राउंड पहले तो राउंड होते थे, अब तो वैसे तो कई राउंड भी करते हुए नहीं देखे जाते। मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करता हूँ, पहले अगर पैदल आदमी आता था तो वे खुद शहर से जब अनलोड के आता था, जब बाइक साधन नहीं होते थे, 4 जगह मुझे टोका जाता था। और अब तो क्या है कि रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे कोई पूछने वाला नहीं, आप कहाँ जा रहे हैं, कौन है, क्या कर रहे हैं। पुलिस को ऐसी कॉलोनी है जो पास कॉलोनी है, यहाँ तो अक्सर ऐसी घटनाएँ होती है, चोरियाँ भी होती हैं, और हमारे क्षेत्र में तो डकैतियाँ भी हुई है। क्या क्या मानते हैं, पुलिस को ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, सख्त, अगर सख्त निगरानी और गश्त अगर व्यवस्थित होती रहे तो ये घटना ये होगी। अपराधियों पर भय रहता है पुलिस का। मैं भगवान सिंह चावड़ा, इसी वार्ड से जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से मेरी से धर्मपत्नी पार्षद भी रही है, और मैं यहाँ का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते पूरी कॉलोनी का, हमारे कोई भी दुख दर्द या कोई घटना घटती है तो हम लोग सबसे पहले दौड़ के आते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारे साथ ही ये घटना आज घट गई, दुखी है, और प्रशासन से मांग करते हैं कि इसकी पुनरावृत्ति न हो। ये मोती बंगला में सदाशिव नगर के पास में रहने वाली उमा भारती नामक महिला है, जो अपने घर के बाहर सब्जी लेने के लिए जब गई थी तो पीछे से एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा मुंह पे मास्क लगाकर और महिला की चेन खींच कर ले गया है, जिसमें अपराध पंजीबद्ध कर उसके लिए टीम भी बना दी गई है, जो CCTV फुटेज के आधार पर विवेचना की जा रही है। अभी सर प्रथम दृष्टया आप मौके पर ही पहुंचे थे, क्या कुछ देखा आपने सर? हाँ, एक व्यक्ति है जिसने ऑरेंज कलर का मुँह पर मास्क लगा रखा है और F1 गाड़ी करके F15 उस गाड़ी से आया और एकदम खींच के ले गया है। अभी उसके उज्जैन रोड तरफ जाना दिखा है, अभी और जांच की जा रही है। सर को टीम बनाई जाएगी इसके लिए? हाँ, अभी अगर वरिष्ठ अधिकारी गणों को घटना के संबंध में बताया गया, जो वरिष्ठ अधिकारी गणों की मार्गदर्शन में एक टीम बनाई जा रही है, जो उसकी बारी से CCTV फुटेज की जाँच करेगी। सर कितने क्या तोले की चेन होगी सर? ये 2 तोले की चेन थी जी।